वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और इंडिया से बैक टू बैक जो है डेली आपको कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं क्रिप्टो को लेके, और यहाँ पे आज जो एक अपडेट आ रहा है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप देखेंगे इंडिया में लेवाए 20% TDS ऑन इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम फॉरेन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ पे 20% TDS तक की बातें भी अब निकल के आने लग गई हैं। पहले 1% अभी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो भी आपको 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन इंडिया इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड लिवाई ऑन इंटरेस्ट अर्न बाय इंडियंस ऑन देयर क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉम फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंजेस के ज़रिए, है ना, जितनी भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, इकोनॉमिक टाइम के अंदर ये जो अगर आप देखेंगे, और द गवर्नमेंट में लिवाए 20% TDS ऑन सच ट्रांजेक्शन स्पेशली इफ़ वन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट सबमिटेड देयर पैन परमानेंट अकाउंट नंबर डिटेल्स और अदर टैक्स डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये चीज़ें भी अब निकल के आ रही हैं। 1% TDS इज़ प्रेजेंटली रिवाइव्ड ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और 30% टैक्स। तो ऑलरेडी 30% टैक्स तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है अप्रैल से। 1% TDS जो लगाया गया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है जुलाई से। तो अब यहाँ पे 20% TDS लगाने की तैयारी चल रही है, और ये अभी कोई यहाँ पे क्लियर नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई सरकार की तरफ से, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक आप इस चीज़ का वेट करें। लेकिन यहाँ पे अगर जिस इस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, चाहे कहीं से भी आ रही हैं सोर्सेज की तरफ से या कहीं से भी आ रही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा ठीक नहीं हो रही हैं। और ये जो बिहेवियर, ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये 20% TDS एक्चुअल में अगर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है आगे कभी फ्यूचर में, तो फिर पूरी तरह ख़त्म है क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आप तो ये समझें। लेकिन यहाँ पे जो जितनी भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उनसे यहाँ पे अगर तैयारी चल रही है 20% TDS की, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मतलब आप एक ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका 20% TDS लग जाएगा, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आपका 20% आपके जो कैपिटल है उसमें से वैसे ही कट जाएगा अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे। और 1% TDS का जो एक मुद्दा है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर 2-3 ट्रांजेक्शन करता है कोई किसी कॉइन को ख़रीदने के लिए तो 3% TDS जाएगा उसी में ही। इतनी बड़ी, वो भी इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ 20%, मतलब अगर किसी ने 2 ट्रांजेक्शन कर दिए तो 40% गया। तो ये चीज़ें देखते हैं एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी। अभी आपको पैनिक नहीं होना है, कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आई हैं मार्केट के अंदर, हर न्यूज़ जो है कन्फर्म्ड नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये थी, पहली अपडेट ये थी। सेकंड बड़ी अपडेट की बात करें तो वो है ऐप कॉइन को लेके, और ऐप कॉइन को लेके बिल्कुल एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ऐप कॉइन को सपोर्ट मिल चुका है पॉलीगॉन मैटिक का, जी हाँ, पॉलीगॉन का सपोर्ट मिल चुका है पॉलीगॉन चेन का। और ऐप कॉइन गेट्स पॉलीगॉन सपोर्ट, मेक्स टोकन अवेलेबल फॉर 19,000 डी एप्स गेम्स। जी हाँ, अगर आप देखेंगे इथेरियम साइड चेन पॉलीगॉन नाउ सपोर्ट ऐप कॉइन और मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द 19,000 डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डी एप्स और गेम्स अक्रॉस द बोर्ड। तो आफ्टर यूगा लैब रिकॉर्ड NFT मिंट कॉज्ड इथेरियम टू क्रैश, द फर्म हैड सजेस्टेड। और यहाँ पे ऐप कॉइन को बिल्कुल सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे पॉलीगॉन का, और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है ऐप कॉइन के लिए भी और पॉलीगॉन के लिए भी। 3,000 डी एप्स रन ऑन पॉलीगॉन नेटवर्क इन अक्टूबर, अभी ये नंबर पहुंच चुका है 19,000। तो पॉलीगॉन चेन एक बहुत बड़ी चेन इस टाइम पे बन चुकी है, पॉलीगॉन इंडिया का प्रोजेक्ट, इंडिया की चेन, सब चीज़ें ये इंडिया की हैं, ठीक है। तो फाइनली ऐप कॉइन को भी सपोर्ट इन्होंने दे दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी तरफ से अपडेट है। दुबई के क्राउन प्रिंस इनॉग्रेट्स क्रिप्टो रेगुलेटर हेडक्वार्टर इन मेटावर्स। तो क्रिप्टो हेड रेगुलेटर्स हेडक्वार्टर को यहाँ पे इन्होंने
इनॉग्रेट किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेटावर्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे दुबई के क्राउन प्रिंस, दुबई से कहीं ना कहीं हर रोज़ अपडेट आ रहा है इस बार, और दुबई एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बन चुकी है ना, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ के जो प्रिंस हैं और मोहम्मद बिन राशिद, और इन्होंने हैज़ इनॉग्रेटेड क्रिप्टो रेगुलेटर वर्चुअल एसेट्स, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इन्होंने मेटावर्स के अंदर, और ये जो मेटावर्स है वो सैंडबॉक्स का मेटावर्स है, और सैंडबॉक्स के अंदर अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी आया था, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मेटावर्स का सैंडबॉक्स ही बनता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट दुबई की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एक्सी इन्फिनिटी टोकन डाउन 30% दिस वीक, और 30% का एक डाउनफॉल एक्सी इन्फिनिटी के अंदर आया है, एक अच्छा डिप भी आया है, मौका भी मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस वीक एज़ यूज़र्स लीव प्लेटफॉर्म, तो एक यहाँ पे रॉनिन नेटवर्क के यहाँ पे एक हैक हुआ था, अगर आपको पता हो 600 मिलियन के समथिंग, ठीक है, एक वो भी सिचुएशन थी। और एज़ पर डैप रडार द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यूज़र्स ड्रॉप स्टीपली इन फेबररी, द ड्रॉप कुड बी एट्रीब्यूटेड टू ए न्यू इकोनॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्काई मेविस टीम एट द टाइम। तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक्सी इन्फिनिटी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें रही हैं, चाहे वो हैकिंग वाला रहा हो, चाहे वो यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, जो मार्केट क्रैश हो रहा है, तो एक अच्छा डाउनफॉल तो एक्सी इन्फिनिटी में हमको देखने को मिला है। तो एक अगर आप लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली एक्सी इन्फिनिटी आपको फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा, ठीक है, पोटेंशियल रखता है एक्सी इन्फिनिटी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और यही कुछ चीज़ें थी एक्सी इन्फिनिटी को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है कार्डानो एडीए को लेके। कार्डानो इस टाइम अपने बिल्कुल लो लेवल पे चला गया है और काफ़ी ज़्यादा डिप के अंदर आया है, लेकिन यहाँ पे एक आंकड़ा, एक नंबर हमारे सामने आ रहा है, कार्डानो वेल्स बाय 196 मिलियन एडीए इन 5 वीक्स। तो पिछले 5 हफ्तों के अंदर जो वेल्स हैं उन्होंने यहाँ पे 196 मिलियन एडीए खरीदे हैं, और एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखेंगे वेल्स होल्डिंग 1 मिलियन प्लस, और 10 मिलियन ADA bought 196 मिलियन मोर ADA इन द पास्ट 5 वीक्स। तो ADA के अंदर पोटेंशियल तो है, ADA आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, टाइम तो यहाँ पे ज़रूर लग रहा है और टाइम आगे थोड़ा और भी लग सकता है, लेकिन ADA के अंदर पोटेंशियल है, कार्डानो आपको काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख सकता है। और वेल्स ने भी यहाँ पे 196 मिलियन ADA खरीद लिए पिछले 5 वीक्स के अंदर। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है माइनर्स की, और बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यूज फेल इन अप्रैल और इथीरियम। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन माइनर्स अर्नड ए टोटल $1.16 बिलियन, अगर आप देखें ये सिर्फ माइनर्स का रेवेन्यू है, और ये रेवेन्यू है अगर आप देखें अप्रैल मंथ का, और यहाँ पे 4.3% का एक डिक्रीज भी हमको देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ, मतलब मार्च के अंदर से, मार्च में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ माइनर्स का वो थोड़ा यहाँ पे कम जनरेट हुआ अप्रैल में एज़ पर डेटा कंपाइल्ड बाय द ब्लॉक सर्च, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप देखेंगे डाटा शोड दैट इथीरियम माइनर मेड ए टोटल ऑफ $1.33 बिलियन, ठीक है, ग्रोइंग द रेवेन्यूज़ बाय 6.2%। तो इथीरियम के जो माइनर्स हैं वो, उनका रेवेन्यू अच्छा रहा है, और मोस्ट रेवेन्यूज़ फॉर बोथ बिटकॉइन एंड इथीरियम केम फ्रॉम द ब्लॉक सब्सिडी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ है, अगर आप देखें BTC मेड 12.9 मिलियन फ्रॉम ट्रांजैक्शन फीस। तो यही सब चीज़ें हैं माइनर्स को लेके, और माइनर्स की अर्निंग भी कम रही है अप्रैल मंथ के अंदर। तो यही कुछ अपडेट्स थी क्रिप्टो करेंसीज को लेके, और इंडिया के अंदर जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो टैक्स हो गया ऑलरेडी 30% टैक्स है, और 20% TDS की भी बात निकल के आई है, तो इस पर कोई कंफर्म कुछ यहाँ पे स्टेटस होगा गवर्नमेंट का, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट्स थी, आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता रहता है, उसको ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।